फ्रेंड, आज हम आर्किया के बारे में पढ़ेंगे। और आर्किया के हवाले से मैं आपको बताया था कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन में डिवाइड किया है। एक डोमेन बैक्टीरिया, एक डोमेन आर्किया और एक डोमेन यूकेरियोटा। तो आर्किया और बैक्टीरिया, ये दोनों कौन से डोमेन? ये प्रोकैरियोट्स की दो डोमेन है, यानी दोनों क्या हैं? ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो हमने इस चैप्टर में किंगडम ये जो प्रोकैरियोट्स किंगडम है, इस प्रोकैरियोट्स किंगडम में हमने इन प्रोकैरियोट्स की दो डोमेन के बारे में बात करनी है। एक आर्किया के बारे में बात करेंगे और दूसरा किसके बारे में बात करेंगे? बैक्टीरिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? आर्किया से। तो आर्किया फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 6 में है और रिड्यूस सिलेबस में भी आर्किया का टॉपिक जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो आर्किया के वही पॉइंट जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैंने वही बुक वाले पॉइंट आपके ले लिए हैं इस आर्किया के। तो देखें आपकी बुक में आर्किया के हवाले से जो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो कहता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्किया वर प्रीवियसली कॉल्ड आर्कियो बैक्टीरिया। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्किया हैं, इनको प्रीवियसली मतलब पहले क्या कहा जाता था? आर्कियो बैक्टीरिया कहा जाता था, क्योंकि पहले आर्किया को जो है वो बैक्टीरिया के साथ ही रखा गया था। फिर बाद में पता लगा कि आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान में हैं तो दोनों प्रोकैरियोट्स, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप आर्किया को बैक्टीरिया नहीं कह सकते। तो फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो आर्किया शेयर सर्टन ट्रेट विद बैक्टीरिया। आर्किया के अंदर कुछ कैरेक्टर जो है वो किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया से। जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं और आर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो यूकेरियोट्स से भी मिलते जुलते हैं। अब यूकेरियोट्स से इनके जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनका यूकेरियोट्स से मिलता है, इनके आरएनए के सीक्वेंस भी यूकेरियोट्स से मिलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इनकी जो है वो किससे मिलती है? वो यूकेरियोट्स से मिलती है। तो इनके कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर यूकेरियोट्स से मिलते हैं। मतलब अगर मैं आर्किया की बात करूं, इसको आर्किया को मैं सेंटर में रख दूं, तो इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो यूकेरियोटा से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर इसके किससे मिलते हैं? बैक्टीरिया से मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो यूनिक भी हैं, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कि ना बैक्टीरिया से मिलते हैं और ना वो किससे मिलते हैं? यूकेरियोटा से मिलते हैं। तो उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर इसको एक अलग डोमेन में रख दिया गया और उस डोमेन का नाम है आर्किया। तो आर्किया आल्सो हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो आर्किया के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं एंड आर डिफरेंट इनफ फ्रॉम बैक्टीरिया टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू आर डोमेन आर्किया। मतलब इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इतने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर हैं कि जिसकी बेस पर वी कैन इनकॉर्पोरेटेड, या इसको हम अपना, इसका एक अपना डोमेन जो है वो दे सकते हैं, इसका ऑन डोमेन, जिसको क्या नाम दिया गया है? आर्किया का। तो चलें बात कर लेते हैं यूनिफाइंग फीचर ऑफ आर्किया। यानी आर्किया के अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यूनिफाइंग है, ये मतलब यूनिक है। यूनिफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यूनिक। आर्किया के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यूनिक हैं? तो देखें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। अगर हम इसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखें, तो जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको पेप्टाइडोग्लाइकिन मिलेगा, एक यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसको क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकिन। जबकि आर्किया जो है, इनकी सेल वॉल के अंदर आपको ये पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं मिलेगा। तो दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन इन दियर सेल वॉल। इन सम आर्किया सेल वॉल इज लार्जली कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड। यानी कुछ आर्किया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स की। लेकिन वो पॉलीसेक्राइड भी ऐसा नहीं होता कि यूकेरियोट्स की तरह सेलुलोज के हों, डिफरेंट होते हैं वो। तो इन सम आर्किया सेल वॉल लार्जली कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड व्हाइल इन अदर इट इज प्योर प्रोटीन। कुछ आर्किया के अंदर सेल वॉल पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, कुछ जबकि दूसरों में किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और कुछ आर्किया ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल के लिहाज से आर्किया क्यों यूनिक है बैक्टीरिया से या यूकेरियोट से? क्योंकि
कि बैक्टीरिया से अगर आप यूनिक देखेंगे तो इनमें पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता। इनकी सेलवाल ज्यादातर पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, कुछ की प्रोटीन की बनी होती है और कुछ में सेलवाल होती ही नहीं है। तो दीज आर सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दियर सेलवाल। आफ्टर डेट कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि सेल वॉल के नीचे बैक्टीरिया या हो गए या आर्कियोबैक्टीरिया, सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया से जो है वो डिफरेंट होती है। अब इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसे डिफरेंट होती है? देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन अनयूजुअल लिपिड दैट अलाउ देम टू सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। तो ये जो आर्किया है ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, जिस पर दूसरे और बैक्टीरिया या दूसरे यूकैरियोटिक सेल सर्वाइव नहीं कर पाते, ये 120 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है? तो दे हैव अनयूजुअल लिपिड्स। इनके पास आम सेल मेम्ब्रेन से थोड़े हटकर लिपिड्स होते हैं। तो वो कैसे अनयूजुअल लिपिड्स होते हैं देखते हैं उसको। लिपिड्स ऑफ आर्किया कंटेन ग्लिसरॉल लिंक्ड टू ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखें, जो नॉर्मल सेल होते हैं उनके अंदर जो ग्लिसरॉल होता है वो किसके साथ लिंक बनाता है? वो ईस्टर लिंकेज बनाता है फैटी एसिड्स के साथ, या किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। किसके साथ लिंकेज बनाएगा? फैटी एसिड के साथ या फॉस्फेट के साथ। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स। जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन का लिपिड होता है उसमें ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड या फैट का ईस्टर बॉन्ड बने होते हैं। जबकि अगर हम बात करें आर्किया के लिपिड्स की जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो उसका ग्लिसरॉल जो होता है वो किसके साथ जो है वो हाइड्रोकार्बन के साथ जो है वो लिंक बनाता है, और उस लिंकेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। वो ईस्टर लिंकेज नहीं होता, वो कौन सा लिंकेज होता है? ईथर लिंकेज। तो इसकी जो यहाँ पर हम बात करें दोबारा इसको मैं पीछे लेके देखें, तो इसमें जो है बताया गया है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन ग्लिसरॉल, और वो ग्लिसरॉल किसके साथ लिंक कर रहा होता है? लिंक विद ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी ग्लिसरॉल तो होता है लेकिन उस ग्लिसरॉल के साथ जो लिंक कर रही होती हैं वो हाइड्रोकार्बन की क्या लिंक कर रही होती हैं? ब्रांच चेन। और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो ईथर बॉन्डिंग होती है, ईस्टर बॉन्डिंग नहीं होती। लिपिड ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन दैट कंटेन ग्लिसरॉल लिंक टू, जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरीके से बैक्टीरिया हो गया, उनका ग्लिसरॉल किससे लिंक कर रहा होता है? फैटी एसिड से। देखो मैंने यहाँ पर दो डिफरेंस आपको बताए कि आर्किया का ग्लिसरॉल जो है वो किससे लिंक करता है? हाइड्रोकार्बन की चेन से। जबकि बैक्टीरिया का जो ग्लिसरॉल है सेल मेम्ब्रेन में वो किससे लिंक करता है? वो लिंक करता है फैटी एसिड। और यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो लिंकेज होता है वो ईस्टर लिंकेज कहलाता है, जबकि आर्किया के अंदर ग्लिसरॉल और हाइड्रोकार्बन का जो लिंकेज होता है वो ईथर लिंकेज कहलाता है। इसके बाद ये तो मैंने सेल मेम्ब्रेन में बताया कि आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे डिफरेंट होती है बैक्टीरिया या यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन से, या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि आर्किया के अंदर जो लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में, आर्किया की सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन के लिपिड से कैसे डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आर्किया होते हैं इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम इनके अंदर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मीथेनोजेनेसिस। मीथेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, द एबिलिटी टू फॉर्म मीथेन, वो एबिलिटी जिसके थ्रू मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस बेसिकली क्या कहलाती है? इसको आप बायोगैस भी कह सकते हो। तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है इसको हम कहते हैं मेथेनोजेनेसिस। तो आर्किया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उनके पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसके जरिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये अपने न्यूट्रिशन के दौरान जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन को लेते हैं, और फिर उस हाइड्रोजन और कार्बन को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये हाइड्रोजन और कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन गैस में।
तो ये हम जो बायोगैस बनाते हैं नेचुरली, आजकल आपने सुना होगा बायोगैस बनाने का जो प्रोसेस है, तो वो बायोगैस बनाने में हम ये आर्किया को ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आर्किया इस वजह से भी यूनिक है कि ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हमें मीथेन बनाने में या बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। इनके पास वो मेटाबोलिक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये मीथेन गैस बना सकते हैं। अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड का तरीका क्या है इनका बनाने का। आर्किया यूज थ्री सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। देखें आर्किया तीन सोर्सेस को, अगर आर्किया ऑटोट्रॉफ हैं तो वो अपना फूड बनाने के लिए थ्री किस्म की एनर्जी की सोर्सेज यूज कर सकते हैं। एक तो सनलाइट ही हो गई, इनके पास पिगमेंट होंगे प्लांट की तरह या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरह, ये किसको यूज करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे अपना फूड बनाने के लिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन होती है उससे भी अपना जो है वो उसको भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन होती है या उसके ब्रेकडाउन को भी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि आर्किया जो है वो कौन कौन से सोर्स, कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी सोर्सेज को अपना फूड बनाने के लिए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तीन सोर्सेज मैंने यहाँ लिख दी, एक सनलाइट है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिनके ब्रेकडाउन से अपनी जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी फूड प्रिपेयर करने के लिए लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। देखो द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड यू बैक्टीरिया इज इन दियर न्यूक्लिक एसिड। देखो यू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है टोटल, तो इस वजह से इनको यू बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो कह रहा है द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड यू बैक्टीरिया इन द न्यूक्लिक एसिड, मतलब बैक्टीरिया और आर्किया जो है इनके अंदर, आर्किया और यू बैक्टीरिया या सिंपली आप बैक्टीरिया कह लें, इनके अंदर जो मोस्ट मेन डिफरेंस है वो क्या है, इनके न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बताया भी था कि हम जब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को जो है वो स्टडी करते हैं। तो अगर हम आर्किया और बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को स्टडी करें, और स्पेशली कौन से वाले न्यूक्लिक एसिड को, राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए मतलब क्या हो गया ये राइबोसोमल आरएनए, इसके सीक्वेंस को स्टडी करें तो देखें फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड नंबर 910 आउट ऑफ 1500, यानी 1500 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर इसके ऐसे न्यूक्लियोटाइड बनाऊं, ये टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, ये हैं 500। आपको पता है ना न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड है जो क्या बनाते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर टोटल ये 500 टोटल ये 1500 जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है। तो उसमें कहता है इन 1500 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में 910 आउट ऑफ 1500 इन वन टाइप ऑफ आरएनए रिसर्चर है फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंस, यानी एक एक आरएनए जो है उसमें रिसर्चर ने ये डिफरेंस जो है वो नोट किया किसके अंदर, राइबोसोमल आरएनए में, किसके राइबोसोमल आरएनए में, यू बैक्टीरिया और आर्किया के राइबोसोमल आरएनए में ये डिफरेंस नोट किया। देखो वो डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों के मैंने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो बना दिए हैं। फॉर इंस्टेंस न्यूक्लियोटाइड नंबर 910, यानी काउंट करते जाएं तो न्यूक्लियोटाइड नंबर कौन सा वाला, 910। अब मैं देखें 910 को आपको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे 900 ये 909 हो गया, ये 908 हो गया, ये 907 हो गया, ये 906 हो गया, और ये 905 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे लिख देता हूँ जस्ट आपको अंडर समझाने के लिए, 905, 906, 907, 900, फिर 908, फिर 908 के बाद आ जाएगा 910, 909 के बाद क्या, 908, 909, फिर ये 910, 911, 912, 910, 911, ऐसे जस्ट आप बनाते जाइएगा ये सीक्वेंस। अब आप इधर देखो, ये मैंने दोनों का सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यू बैक्टीरिया का और ये आर्कियो बैक्टीरिया का। 905 न्यूक्लियोटाइड दोनों में सेम है, यहाँ भी एडेनिन है, यहाँ भी एडेनिन है।
906 न्यूक्लियोटाइड दोनों में सेम है, यहाँ पर भी एडेनिन है, यहाँ पर भी एडेनिन है। 907 न्यूक्लियोटाइड दोनों में सेम है, यहाँ पर भी एडेनिन है और यहाँ पर भी एडेनिन है। इसके अलावा 908 न्यूक्लियोटाइड भी दोनों में सेम है, यहाँ भी साइटोसिन है, यहाँ भी साइटोसिन है। 909 भी दोनों में सेम है, यहाँ पर भी यूरेसिल है, यहाँ पर भी यूरेसिल है। लेकिन 910 देखें, यहाँ पर 910 जिसको मैंने पर्पल नीचे किया है, 910 यू बैक्टीरिया के अंदर 910 वाले न्यूक्लियोटाइड पर क्या मौजूद है, साइटोसिन। जबकि 910 वाले न्यूक्लियोटाइड पर आर्किया के क्या मौजूद है, वहां पर यूरेसिल मौजूद है। तो आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर 910 वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, ये 910 वाला न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब क्या हो गया, टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखो तो उसमें क्या है, 910 वाला जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो इस जगह पर इनका राइबोसोमल आरएनए एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो है ये इनके न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। स्पेशली जो है वो कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली अगर हम बात करें तो राइबोसोमल जो है वो। अच्छा, बीच में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है, सर आर्किया फोटोसिंथेटिक होते हैं या नहीं? जी जी, आर्किया फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। अच्छा, इधर देखें, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको, कि मैंने बताया है यहाँ पर कि आर्किया और यू बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड, स्पेशली जो राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड में फर्क होता है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था जो 1500 न्यूक्लियोटाइड में से आप उन्हें काउंट करो तो 910 नंबर वाला न्यूक्लियोटाइड दोनों में क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। और अगर आप देखें, यहाँ यू बैक्टीरिया का सीक्वेंस लिखा है, यहाँ आर्किया का, दोनों में 910 वाला एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब थोड़ा सा हम जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं, मेन फीचर्स देख लेते हैं कि आर्किया के वो कौन से फीचर्स हैं जो किससे जो है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। तो आरएनए सीक्वेंस, अगर हम बात करें किसकी, आरएनए सीक्वेंस की, तो आरएनए सीक्वेंस जो है वो बैक्टीरिया का राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस बैक्टीरिया का मेनी यूनिक टू यू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। जबकि वो किससे रिजेंबल करता है आर्किया का, मेनी मैच यूकैरियोटिक वंस यानी यूकैरियोटिक सेल से ये ज्यादा रिजेंबल करता है। आर्किया के जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो यूकैरियोट से, मतलब हम लोगों से, हमसे ज्यादा, हम भी तो यूकैरियोटिक है ना, हमसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं किसके मुकाबले में, बैक्टीरिया के मुकाबले में। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज रिलेटिवली स्मॉल एंड सिंपल, बैक्टीरिया का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्मॉल होता है और सिंपल होता है, जबकि आर्किया का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, किसकी तरह, यूकैरियोटिक सेल की तरह। तो आप कह सकते हो कि आर्किया का पॉलीमरेज एंजाइम बैक्टीरिया से इतना रिजेंबल नहीं करता जितना यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है। इंट्रॉन, इंट्रॉन हम किनको कहते हैं, नॉन कोडिंग जीन। हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए पर कुछ इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन होते हैं, इनसे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन। तो इंट्रॉन बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, जबकि आर्किया के अंदर इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये करेक्टर भी इसका किससे, यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है, कि बैक्टीरिया में इंट्रॉन नहीं होते, आर्किया के अंदर इंट्रॉन होते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, स्पेशली कौन सी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमायोसिन एंड क्लोरोमेफेनिलोन, ये जो है, ये दो एंटीबायोटिक जो है वो ये जो है बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देती हैं, यानी ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ये दोनों बैक्टीरिया को किल करेंगी, लेकिन आर्किया पर ये एंटीबायोटिक नॉन इनहिबिटेड यानी असर नहीं करेंगी आर्किया के ऊपर। पेप्टाइडोग्लाइकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होती है, लेकिन आर्किया की सेल वॉल में मौजूद नहीं होती। मेम्ब्रेन लिपिड्स कार्बन चेन अनब्रांच होती है, मतलब कार्बन की जो चेन होती है फैटी एसिड की, वो अनब्रांच होती है, जबकि आर्किया के अंदर कार्बन की चेन जो ग्लिसरॉल के साथ लगी होती है वो क्या होती है, वो ब्रांच होती है।
तो ये हमने जो है वो अभी कुछ यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया आर्किया में और बैक्टीरिया के दरमियान में, और यहाँ हमने ये भी देखा कि आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो रिजेंबल करती हैं या डिफरेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर पेज नंबर 159 पॉइंट नंबर 6 देयर इज नो नो फोटोसिंथेटिक आर्किया काइंडली एक्सप्लेन दिस। पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो फोटोसिंथेटिक आर्किया काइंडली एक्सप्लेन दिस। सॉरी 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 159 पेज नंबर 159, एक मिनट जस्ट अ मिनट। ये आप कौन सी वाली की बात कर रहे हो? ये बात कर पेज नंबर 159, 159 फेडरल बोर्ड की बुक की बात कर रहे हो? मेरे पास फेडरल बोर्ड में जो पेज नंबर 159 पर आया है, ये आया है जो है वो जाइगोमाइकोटा आ गया है, यहाँ तो किंगडम फंजाई आ गई है। चलिए इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे, क्लास खत्म होने के बाद डिस्कस करते हैं इसको, सही है? चलो आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं। यहां तक हो गया क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया हो तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलता हूं। मैसेज कर दो मुझे अगर क्लियर हो गया है तो। अभी तक जो बात करी है उसके बारे में फिर एक दफा रिवीजन दे देता हूँ। देखो आर्किया के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्किया वर प्रीवियसली कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया। आर्किया को पहले हम आर्कियोबैक्टीरिया कहते थे। क्यों आर्कियोबैक्टीरिया कहते थे? क्योंकि इनके ये प्रोकैरियोट्स से, तो हमने समझा ये बैक्टीरिया ही है तो हम इनको आर्कियोबैक्टीरिया कह दिया। फिर पता लगा कि आर्किया कुछ कैरेक्टर जो है वो शेयर करते हैं बैक्टीरिया के साथ, और कुछ कैरेक्टर यूकेरियोट के साथ भी तो शेयर करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर इनके यूनिक भी होते हैं, और उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनको एक अलग डोमेन, एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, और उनका डोमेन डोमेन जो है वो आर्किया में रख दिया गया। अब यूनिफाइंग यूनिक फीचर कौन कौन से थे अभी हमने डिस्कस किए। सेल वॉल इनकी डिफरेंट होती है, वो कौन से डिफरेंस होते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका। सेल मेम्ब्रेन इनकी डिफरेंट होती है, इनमें मिथेनोजेनेसिस मीथेन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए जो है वो, मैंने सॉरी फोटोसिंथेटिक की बात नहीं हो रही, अगर बात करें तो आप ऐसे कह लो कि बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ का वर्ड आप यूज कर लो। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस में भी फर्क होता है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, फर्क देख लिया आर्किया और बैक्टीरिया में क्या क्या फर्क होते हैं, और आर्किया के कौन से कैरेक्टर जो है वो यूकेरियोट से मिलते हैं ये भी हमने यहाँ देख लिया। अब हमारे पास लास्ट में है यूनिफाइंग मोस्ट आर्किया इनहेबिट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उनपे आर्किया सर्वाइव कर जाते हैं, आर्किया उन पर सर्वाइव कर जाते हैं, इस वजह से हम आर्किया को एक्सट्रीमोफिल्स भी कहते हैं। एक्सट्रीमोफिल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते ये वहां पर सर्वाइव कर जाते हैं। अब देखो इन एक्सट्रीम कंडीशंस की बेस पर, इनकी हैबिटेट जहां पर ये सर्वाइव करते हैं उसकी बेस पे हमने आर्किया को इन तीन ग्रुप में यहाँ पर आपकी बुक में डिवाइड किया है। एक आर्किया वो होते हैं जिनको मिथेनोजिन्स कहते हैं। मिथेनोजिन्स वो आर्किया होते हैं जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिथेन क्या है? बायोगैस है। और मिथेनोजिन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन एनएरोबिक एनवायरमेंट, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, एनएरोबिक एनवायरमेंट, जहाँ बहुत से ऑर्गेनिज्म कम ऑक्सीजन पर सर्वाइव नहीं कर पाते लेकिन ये वहां पर सर्वाइव कर जाते हैं। स्वाम्प, मार्शेस, दलदल, कीचड़ वाली जगहों पे, या इंटेस्टाइन में, एनिमल और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहां पर ये सर्वाइव कर जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज कर उससे क्या बनाते हैं? उससे मीथेन बनाते हैं, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं मिथेनोजिन। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स जो होते हैं बेसिकली रिक्वायर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाते। अक्सर गोश्त के ऊपर बहुत सारा सॉल्ट या फिश के ऊपर बहुत सारा सॉल्ट लगा के हम रख देते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया यहाँ पर जो है वो उसको खराब ना करे, लेकिन ये हेलोफिल्स ऐसे होते हैं जो हाई सॉल्ट कंडीशन पर भी क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, इनको कहते हैं हेलोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एंड एसिडिक एनवायरमेंट, बहुत हॉट और एसिडिक एनवायरमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया, ये ऐसे आर्किया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग,
गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं, गीजर में भी, गीजर जो होता है गर्म पानी का, वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, और वेल्केनोज जो होते हैं उनके आसपास भी सर्वाइव ये कर जाते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव करते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट एक्सट्रीमोफिल्स, यानी वो आर्किया जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, उनको जो है इन तीन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक। चलें अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इन इससे रिलेटेड जो है वो पूछ सकता है पेपर में। तो हाउ, आपसे ये पूछा जा सकता है हाउ आर्किया आर्कियल सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्किया की सेल वॉल में और बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या फर्क है, या ऐसे ही आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि हाउ आर्कियल सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाई आर्किया सर्वाइव इन एट हाई टेम्परेचर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आर्किया हाई टेम्परेचर पर क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनकी सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, उसके लिपिड्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से वो क्या करता है, वो सर्वाइव वहां पर कर जाता है। एक ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। एक क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर्किया रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दियर फूड। यानी आर्किया को अपना फूड बनाने के लिए जो थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए होती हैं, उसके बारे में आप बताओ कौन कौन सी होती हैं। तीन मैं आपको बता चुका हूं। हाउ राइबोसोमल आरएनए ऑफ बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम आर्किया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किया रिजेंबल विद यूकेरोट्स, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किया रिजेंबल विद यूकेरोट्स, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है आर्किया की जो यूकेरोट से रिजेंबल करती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है कि इनमें इंट्रॉन होता है, यूकेरोट सेल के जीन में भी इंट्रॉन होता है, इनका पॉलीमरेज एंजाइम आर्किया का रिजेंबल करता है किससे, यूकेरोट से, इनका आरएनए सीक्वेंस भी रिजेंबल करता है यूकेरोट से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी रिजेंबल करती है यूकेरोट से। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ आर्किया ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट, जिस कंडीशन में वो ग्रो करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीमोफिल्स जो होते हैं उनकी बेस पर जो है वो आर्किया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया है। तो तीन ग्रुप में, एक मिथिनोजिन्स, एक हेलोफिल्स और एक थर्मो एसिडोफिल्स। तो ये सारे तमाम क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आप इनको जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं।